बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज क्लास 5 का सेकेंड हाफ सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 HCF एंड LCM। HCF हमारे पास है क्या? द ग्रेटेस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज़ नॉन एज HCF। HCF वो कह रहा है कि आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर आएंगे, मतलब जो ज़्यादा क्वान्टिटी में हो गए नंबर्स उसको हमने कॉमन लेना होगा। टू और मोर नंबर्स मतलब वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर्स इज़ नॉन एज HCF। सेकेंडली बात, HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF स्टैंड फॉर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकेंडली आपके चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है वो है LCM, द लीस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ नॉन एज LCM। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कम से कम आपके पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे, मल्टीपल्स मतलब जिस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, या आगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी एग्जांपल समझाऊंगी कि LCM और HCF में हम क्या करेंगे। ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ नोन एज LCM, कि आपने क्या लेना होगा, टू और मोर नंबर्स में आपने उसको कॉमन निकालना होगा, लेकिन लीस्ट नंबर कम से कम का भी हो सकता है इज़ नोन एज LCM। LCM मतलब आपके पास LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 1 है आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 है आपके पास ट्रू एंड फॉल्स, एंड 3 आपके पास है चूज अ करेक्ट ऑप्शन। जब आप ये पूरा चैप्टर सॉल्व आउट कर लेंगे तो देन आप फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स और MCQs आप ऑन सेल्फ भी कर सकते हैं, जिससे बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि आप बच्चों को कितनी अच्छी से समझ आ गई है कि नहीं आई। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है बताएं इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय, मतलब इजीली डिवाइड हो सकते हैं किस पे? 4 पे। इजीली डिवाइड किस पे हो जाएंगे? 4 पे। लाइक दिस, आपके पास क्या है? 1996। अब मैंने इसको देखना है क्या ये डिवाइड हो रहा है 4 पे कि नहीं हो रहा। अब मैंने जब इसका रफ वर्क किया है, आप देख सकते हैं 4 4 16, और आपके पास 19 में से 16 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 9 ऊपर से आ गया, 4 9 36, 3 बच गया, 6 ऊपर से आ गया, 4 9 36। इट्स मीन ये आपके पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इट्स मीन कोई 1996 आपके पास डिवाइड हो सकता है किस पे? 4 पे। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर बाय द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इट्स मीन लास्ट टू डिजिट हमारे पास क्या है? 36। तो वो इजीली क्या हो सकते थे? डिविजिबल बाय 4 हो सकते थे। इसी तरह इसका बी पार्ट है 2000 over 4। आपके पास क्या था? 2000। अब 4 5 ज़ा, आपके पास क्या है? 4 5 ज़ा 20। जी इसी तरह ही, अब ये 2 0 बच गए, 4 500 से आप अगर करते हैं तो वो आपका 2000 आ जाता है। इट्स मीन देयर फॉर 2000 इज डिविजिबल बाय 4। तो लेट्स सी, अब इसका 3 पार्ट है 2 3 6 0 6, मैं वो भी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ साइड पे, 2 3 6 0 6। अब हमने चेक करना है क्या ये डिविजिबल बाय 4 होगा कि नहीं होगा। अब पहला डिजिट हमारे पास स्मॉल है, तो हम ये दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे? कंबाइन लेंगे। 4 6 है 24, तो हमारा 24 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ 23, सो हम किससे करेंगे? 4 5 ज़ा 20। 4 5 ज़ा 20, अब ये 23 में से 20 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, देन आपके पास क्या आएगा? 6। इसी तरह आ जाएगा 4 9 ज़ा 36। अब आपने दो, अब मेरे पास क्या आ जाएगा नीचे? 0। इसी तरह आ जाएगा। अब आगे क्या है मेरे पास? अब जब देखेंगे 4 के टेबल पे तो 0 जाते ही नहीं है, तो मैं 6 को भी नीचे उतारूंगी। जब मैं 6 को नीचे उतारूंगी तो आप देखेंगे जब भी दो डिजिट्स नीचे उतारते हैं तो आपने ऊपर क्या लगाना होता है? 0। अब ये क्या है मेरे पास? 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, 2 बच गए। क्या ये डिविजिबल हो रहा है आपके 4 पे? इट्स मीन देयर फॉर 2 3 6 0 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे फाइव उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय सिक्स, अप्लाई द रूल एंड शो इन वर्किंग। मतलब आपने जिस तरह रूल पीछे फॉलो किया गया है आपने उसी को साथ फॉलो करना। अ नंबर्स इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ़ इट एन इवन नंबर्स एंड द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय टू थ्री सॉरी। अब लेट्स सी नेक्स्ट हम करेंगे सिक्स पे, सेम इसी मेथड से हम करेंगे सिक्स वन जस, जैसे मेरे पास वैल्यू है 8622। अब मैं क्या करूँगी, सिक्स वन जस सिक्स, टू बच गया, सिक्स ऊपर से आ गया, सिक्स फोर जो 24, टू रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ से टू हमने लिया, सिक्स थ्री जो 18, फोर आ गया, फिर हमने यहाँ से टू लिया, यहाँ पे सिक्स सेवन जो 42। इट्स मीन ये 8622 इज़ डिविजिबल बाय सिक्स therefore। इसी तरह आगे आप देखें आपके पास क्या आ गया 28, क्या 28 सिक्स के टेबल पे जाते। मैं आपको पूरा सवाल सॉल्व करके बताती हूँ, सिक्स सेवन जो 42, फाइव रिमाइंडर बच गया, ज़ीरो आ गया, सिक्स एट जो 48। अब पीछे हमारे पास 50 में से 48 माइनस करें 21, मतलब सॉरी 2 बच गया, 1 ऊपर से हमारे पास आ गया, 6 थ्री जो 18, 21 में से हमने जब 18 माइनस किए तो आप मुझे बताएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। हमने 21 में से 18 माइनस किए हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 के टेबल में 38 नहीं जाता, मतलब इसे छोटी अमाउंट जाती है। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये मेरे पास 6 का क्या बन जाएगा 36, 8 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो क्या 2 जो है लास्ट डिजिट आपके 6 पे डिवाइड होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा। सो 28 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, देयर फोर 47018 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। नॉट आगे उन्होंने बताया मैंने आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 एंड बट नॉट डिविजिबल बाय 6, श्योर योर वर्किंग आल्सो। तो आपने इसमें बताना होगा कि आपके नंबर्स सेम इसी प्रोसीजर से करना होगा, क्या वो डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट डिविजिबल बाय 6। वो कह रहे हैं वो डिवाइड हो जाएगा 3 पे बट वो डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, तो शो योर वर्किंग आल्सो। आप सेम इसी मेथड से करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये डिवाइड हो जाएगा 3 पे लेकिन डिवाइड नहीं होगा, वो किस पे 6 पे नहीं होगा, 4707 जी ठीक है। अब मैं इसको करूँगी पहले 4707 को 3 पे, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा डिवाइड हो जाएगा, 3 वन ज़ा 3, 1 आ गया, देन 7, 3 सिक्स ज़ा 18, ग्रेटर देन वैल्यू हो जाएगी। सो हम किस पे करेंगे, 3 फाइव ज़ा 15, तो 17 में से 15 के 2, यहाँ से 0 नीचे आएगा, 3 सिक्स ज़ा 18, 2 बच गया, 7 नीचे आएगा, 3 नाइन ज़ा 27। इट्स मीन के 4707 इज़ डिविजिबल बाय 3, देयर फोर 4707 इज डिविजिबल बाय 3। अब मैं इसी के सामने इसको 6 पे करूँगी, 4707 6, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। इट्स मीन 48 बड़ी वैल्यू है किससे, 47, सो मैं किससे करूँगी, 6 7 ज़ा 42 पे, 5 आ गया, यहाँ से 0 उतारा, अब ये मेरा पिस पे जाएगा 6 8 ज़ा 48, बिकॉज 6 9 ज़ा 54 होता है, तो ये मेरा जाएगा 6 8 ज़ा 48, ये 2 आ गया, 7 आ गया। अब 27 6 के टेबल पे नहीं जाता, क्योंकि 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18 एंड 6 फोर ज़ा 24 एंड 6 फाइव ज़ा 30, तो 30 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, सो ये डिवाइड नहीं होगा, सो इट नॉट डिविजिबल बाय 6।
डेटलियर सेम इसी प्रोसीजर से ही आपका क्वेश्चन आगे भी होगा 8011596 54, क्योंकि 801 भी आपका 3 पे डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 पे नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है. इसी तरह यहाँ पे भी फाइंड द डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी फॉर 8, फाइंड द अदर नंबर आर डिविजिबिलिटी ऑफ 8. अब यहाँ पर 8 के बारे में, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last three digits is 9 multiples of 8 are therefore 0 at the 110s and 1s place. अब यहाँ पर देखें आपके पास नंबर है 4189, 8 5 are 40, 1 आ गया, 18 नीचे उतारा, 8 2 are 16, आगे क्या आ गया 29 is not divisible by 8, therefore 4189 is not divisible by 8. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 8 64 0 आ गया. जब भी, अब मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप दरमियान में या लास्ट में दो डिजिट्स को इकट्ठा नीचे उतारेंगे तो आपका ऊपर 0 आ जाएगा. इसी तरह इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर डैट कि वो 0 और कुछ 1 हो या 0 2 हो या 0 3. जब लाइक दिस आप अगर 23 को कम्बाइन उतारते हैं, इसको कम्बाइन नीचे उतार देते हैं तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8 1 8, तो 6 4 0 8 इज़ डिविजिबल बाय 8. इसी तरह इसका बी और सी पार्ट है, सी और डी पार्ट होगा. अब यहाँ पे चेक द हेल्प आउट द रूल इफ़ द फॉलोइंग ऑफ 9, आपने इसको किस पे करना होगा, 9 पे करना होगा जी. अब मैं आपको ये वाला पार्ट भी करके दिखा देती हूँ 9 वाला. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 8 में वो बात कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करें किस पे, 9 पे. अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है 1873. अब ये मेरे पास क्या आएगा, 9 2 are 18 आ गया. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. अब 9 के टेबल में 7 जाता ही नहीं है. अब क्या, अब मैं इसको नीचे उतारूँगी 73 ये. अब आपने 9 का टेबल रीड आउट करना है, 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 93, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are 72, 9 9 are 92, 9 9 are 81. तो क्या बताएं, 72 और ये आ जाएगा 9 8 are 72. पीछे क्या बच गया, 1. क्या ये कंप्लीट सॉल्व हुआ 9 से, इट्स मीन देयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. इट्स दैट क्लियर जी. एक्सरसाइज 2A आपने, मैंने आपको सारी समझा दी है. MCQs 2 फॉल्स योर फिलिंग द ब्लैंक्स. आपने जब ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे होपफुली वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे और देन आप ओन सेल्फ पे वो बैठ के करेंगे. होपफुली आज आपको अपना आज का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 2A का.